नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हिंदी रचनाओं का लेक्चर 5। इसमें हम आज पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। इससे पहले 4 वीडियो आ चुकी है, तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप वो वीडियो देख लेना, या फिर आप जो प्लेलिस्ट होती है उसमें जाके भी उन वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं को याद करने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा बहुत 2-4 चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है उनका जन्म। किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रख लेना, जो लोग नए हैं उनको बता दूँ मैं, यहाँ पर हम जो भी रचनाएँ करने वाले हैं वो सिर्फ वही रचनाएं होंगी जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है, क्योंकि हमारे पास जो यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है, जो आने वाले पटवारी, एसआई, पुलिस, कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब एग्ज़ामों के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसमें साफ साफ मेंशन किया है कि जो रचनाएं आएंगी वो सिर्फ एनसीईआरटी आधारित रचनाएँ आएंगी। तो इसलिए हमें फालतू की रचनाएँ नहीं पढ़नी है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो चलो आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में आ जाता है इनका जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1898 या फिर 1899। एक्चुअली में मैंने ये 2 ईयर यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि एनसीईआरटी, मेरे को क्लास का ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है, लेकिन एक एनसीईआरटी की एक बुक में, माने बात फॉर एग्जांपल अगर कोई 11th की बुक है और एक दूसरी 12th की बुक है फॉर एग्जांपल, तो एक क्लास की बुक में जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म दे रखा है वो 1898 दे रखा है और दूसरी किताब में 1899 दे रखा है। तो आप इन दोनों को ध्यान रखना, ठीक है? तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये मत सोचो कि यार पेपर में क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि मैंने आपको ये सोर्स बता दिया है कि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो कोई सा भी आप आंसर मारोगे तो आपके पास कल के दिन क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए ना एक एनसीईआरटी का प्रूफ होगा। तो अब आते हैं अगला जो पॉइंट है, इनकी मृत्यु। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मृत्यु होती है 1961 में। अब एक अगला पॉइंट आता है कि इनका उपनाम क्या है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के 2 मेन उपनाम है, इनमें से एक उपनाम है महाप्राण। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण बोलते हैं। अगर क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस कवि या रचनाकार का उपनाम महाप्राण है, तो ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इसके अलावा एक और उपनाम है इनका, इनको बोलते हैं छायावाद का महेश। तो छायावाद का महेश के बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ा ये बता दूँ कि छायावाद के 4 मेन कवि हैं, ठीक है? छायावाद के 4 कवि बहुत मेन है, इनमें से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, एक जयशंकर प्रसाद हो गए, एक सुमित्रा नंदन पंत हो गए और एक हमारी महिला कवि है, कवियत्री है, उनका नाम है महादेवी वर्मा, ठीक है? तो अलग अलग बोला गया है, जैसे छायावाद का महेश अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बोला गया है, तो छायावाद का ब्रह्मा किसको बोला गया है? ये जयशंकर प्रसाद को बोला गया है। और छायावाद का विष्णु बोला गया है सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 हो गए। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे यहाँ पे, एक उपनाम है महाप्राण और दूसरा है छायावाद का महेश। तीसरा पॉइंट आता है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक माना जाता है किसको? निराला को। अगर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किसको मुक्त छंद के प्रवर्तक माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा निराला। तो निराला ने सबसे पहले क्या किया था, जो मुक्त छंद होते हैं किसी भी कविता में, तो उनको स्टार्ट किया था। फिर अगला पॉइंट आता है कि निराला के समान कवि, ठीक है? तो उत्तराखंड का ऐसा कवि कौन सा है जो निराला के समकक्ष, जिसको माना जाता है या जिनको निराला के समान माना जाता है, उनके समकक्ष रखा जाता है? तो इनका नाम है चंद्र कुंवर बर्तवाल, ठीक है? तो ये उत्तराखंड के काफ़ी फेमस कवि है चंद्र कुंवर बर्तवाल, और इनका जो जन्म हुआ था वो रुद्रप्रयाग में हुआ था, ठीक है? तो ये ध्यान रख लेना कि चंद्र कुंवर बर्तवाल को क्या निराला के समान कवि या निराला के समकक्ष कवि माना जाता है। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि एक रचनावली है कि निराला रचनावली। प्रश्न इस तरीके से आता है, निराला रचनावली में कुल कितने खंड हैं, या फिर जो निराला रचनावली है वो कितने खंडों में संकलित है? तो ध्यान रखना 8 खंड हैं इसमें, ठीक है? फिर अगला पॉइंट आता है कि निराला जी के बचपन का नाम क्या था? सरजू कुमार, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि निराला जी के बचपन का नाम था सरजू कुमार। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट पढ़े, बस इन पॉइंट को ध्यान में रखना, बाकी इसके बाद जो रचनाएँ हैं इनकी, मतलब जो भी कविताएँ हैं या उपन्यास हैं, उनको हम स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट छूट गया था कि निराला जी हैं, इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। तो इनमें से 2 पत्रिकाएं सबसे मेन है,
एक पत्रिका है मतवाला, ठीक है, ये मौ हटा दो यहाँ पे, ये मौ नहीं होगा, ठीक है। तो एक पत्रिका है मतवाला और दूसरी पत्रिका क्या है, समन्वय। तो दो पत्रिकाओं का संबंध किससे है, निराला जी से है। कौन कौन सी, एक है मतवाला और दूसरी है समन्वय पत्रिका। तो अब आते हैं इनके काव्य संग्रह पे। तो इनके काव्य संग्रह काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कन्फ्यूज़न होता है बहुत ज़्यादा कि काव्य कौन से हैं, उपन्यास कौन से हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको हम स्टोरी के माध्यम से याद करें, जैसे कि हमने पिछले जो हमारी चार वीडियोस हैं उनमें भी हमने स्टोरी के माध्यम से याद करने की कोशिश की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वीडियोस काफ़ी पसंद आई होंगी आपको और याद हुआ होगा आपको एक्चुअल में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर आप इसको याद करने लगो ना तो आपको रटना पड़ेगा, या तो आप रट लो, जो मतलब पुराने बच्चे हैं जिनको एक दो तीन साल का एक्सपीरियंस है, या जो दो तीन साल से पढ़ रहे हैं या मिनिमम एक साल से पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने रट भी लिया होगा। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं, ठीक है, नए अभ्यर्थी हैं जो जिनको चार पाँच महीने हो रहे हैं, तीन चार महीने हो रहे हैं, तो उनको इसमें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये दिक्कतें हमने भी फेस कर रखी हैं और इसीलिए हम स्टोरी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से जल्दी भी याद होता है और लंबे टाइम तक याद होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इनका काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह में हमें स्टोरी सुननी है आराम से और कुछ नहीं करना है, एक बार स्टोरी सुनेंगे उसके बाद इसको समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले है स्टोरी में क्या है कि निराला की तीन बेटियां थी, निराला जी थे जो उनकी तीन बेटियां थी, तीनों के नाम हैं, एक का नाम था अनामिका, दूसरी का नाम था आराधना और तीसरी का नाम था सरोज। तो निराला जी की तीन बेटियाँ थी, अनामिका, आराधना तथा सरोज। तो जो सरोज है वो क्या थी, वो कानी थी। देखो दो टर्म्स होती है, एक होता अंधा और एक होता काना। अंधा उसे बोलते हैं जिसकी दोनों आँखें नहीं होती है, मतलब दोनों आँखों से वो देख नहीं पाता है, लेकिन काना उसे बोलते हैं जिसकी जो एक आँख है ना, एक आँख से तो वो प्रॉपर देख पाता है या देख पाती है, लेकिन दूसरी आँख से नहीं देख पाता है। तो आपको ये मानना, मान के चलना है कि जो सरोज थी वो कानी थी। कहानी क्यों थी, क्योंकि यहाँ से एक रचना है वो मैं अभी आगे बताऊँगा, फिलहाल बस स्टोरी सुनो कि सरोज क्या थी, कहानी थी, और उसकी ना बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। किसकी, सरोज की। फिर जब उसकी बचपन में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि निराला जी उससे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए निराला अपनी बेटी के ऊपर सरोज स्मृति नामक कविता लिखते हैं, ठीक है। स्टोरी में भी आ गया कि सरोज स्मृति कविता लिखते हैं, तो कविता स्टोरी में आ रहा है, तो समझ जाओ कि इस स्टोरी में जितनी रचनाएँ हैं वो सारी की सारी कविताएँ हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रखो कि अनामिका जो थी, इनकी जो पहली बेटी थी, ठीक है, अनामिका इनकी जो पहली बेटी थी, इसको निराला जी अणिमा कह के पुकारते थे। जैसे आप लोगों के भी निकनाम होते होंगे, मतलब स्कूल का नाम अलग होता होगा और घर का नाम अलग होता है, तो अनामिका को निराला जी क्या कहते थे, अणिमा कह के पुकारते थे। अब जो अनामिका थी ये क्या करती थी, इसे गाने गाने का बहुत शौक़ था, तो ये ना जोर जोर से गाना गाती थी, जोर जोर से गाना नहीं सॉरी गीत गाती थी, हम गाना नहीं बोलेंगे, हम गीत बोलेंगे क्योंकि गीत से रिलेटेड एक रचना है। तो अनामिका जोर जोर से गीत गाती थी जिसकी ध्वनि से निराला परेशान हो जाते थे। अब आप ये मान के चलो कि कोई जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गीत गाएगा तो आदमी परेशान तो होगा ही, है ना, क्योंकि वो जो ध्वनि है वो थोड़ा कर्कश लगने लग जाती है। तो निराला उसकी ध्वनि से जब परेशान हो जाते थे तो वे उसे गाने नहीं देते थे। तो जब वे उसे गाने नहीं देते थे तब अनामिका उनसे बोलती थी कि पापा गीत गाने दो मुझे। क्या बोलती थी वो उससे, उनसे, पापा गीत गाने दो मुझे। निराला फिर उससे बोलते थे कि ठीक है गाले, मगर बादल राग में गाना। देखो बादल राग मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि धीरे धीरे जब गाते हैं ना, मतलब धीरे धीरे से आराम आराम से गाने को ही बादल राग बोलते हैं, ठीक है, ये आप अज्यूम कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक दिन अनामिका आंगन में तुलसी की पूजा कर रही थी। तो आपने देखा होगा कि सब लोगों के आंगन में क्या होता है, घर के आगे जो आंगन होता है उसमें एक तुलसी का पौधा होता है, और जनरली देखा होगा कि उस तुलसी के पौधे की ना पूजा की जाती है। तो एक दिन अनामिका भी आंगन में तुलसी की पूजा कर रही थी, तुलसी का पौधा या तुलसी बात एक ही है, ठीक है, तो तुलसी की पूजा कर रही थी, तभी वहाँ एक भिक्षुक आया। भिक्षुक मतलब एक भिक्षा मांगने वाला आया, ठीक है, तभी वहाँ एक भिक्षुक आया जिसे अनामिका ने भिक्षा में महंगे परमल के चावल दिए। अनामिका के बारे में जो कुछ पॉइंट थे वो हमने देख लिए, ठीक है। अब आते हैं अनामिका की जो बहन थी दूसरी, उसका नाम क्या था, आराधना था, क्योंकि देखो एक सरोज थी, सरोज तो बचपन में ही मृत्यु हो जाती है उसकी, तो अब कौन बची, आराधना बचती है। तो अनामिका की बहन जो आराधना थी, तो आराधना ने कुछ समय पहले अपनी दोस्त के घर से जूही की कली को लाकर अपने गमले में लगाया था। देखो कभी हम लोगों में क्या होता है कि अगर हम लोगों को पौधे लगाने का शौक़ होगा या गार्डनिंग वगैरह बागवानी वगैरह करने का शौक़ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे के घर में, हमारे किसी दोस्त के घर में अगर कोई फूल का पौधा देख लिया हमने, बहुत अच्छा पौधा है, तो हम ना उसको बोलते हैं यार मेरे को भी दे दे, इसकी कलम दे दे या इसका बीज दे दे। तो वैसे ही क्या होता है कि आराधना ने कुछ टाइम पहले क्या किया था, अपने दोस्त के घर से एक कली लाई थी, वो जूही की कली लाकर
अपने गमले में लगाई थी। कौन सी कली लगाई थी? उस पौधे का नाम था जूही की कली, ठीक है, और उसको लाकर वो अपने गमले में लगाई थी, जिस पर क्या हो गया था, अब नई बेल तथा नए पत्ते आ गए थे। अब उसने जब वो अपने गमले में लगाई होगी तो पानी वानी देती होगी, तो अब नए पत्ते तो आएंगे ही ना। वो जो जूही की कली थी अब उस पर नए बेल तथा नए पत्ते आ गए थे, किंतु गमले के आसपास देखो उसके चारों तरफ, उस पौधे के चारों तरफ कुछ छोटे छोटे ना कुकुरमुत्ता भी उगाए थे, उस गमले में कुछ कुकुरमुत्ता भी उगाए थे। ये देखकर वह अपने पिता निराले के पास जाती है। कौन? जो आराधना थी। ये सब देख के, उन कुकुरमुत्तों को देखकर वो अपने पिता निराले के पास जाती है और जनरली उनसे ये पूछने गई होगी कि वो कुकुरमुत्ता क्यों उगाए, वो कैसे उगाए। किंतु निराला जी क्या होता है, राम की पूजा अर्चना में व्यस्त होते हैं, या फिर निराला जी राम की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो आराधना उन्हें परेशान नहीं करती है और वो वापस आ जाती है। तो दोस्तों अब आते हैं हम कि जो ये हमने स्टोरी बताई इनमें से हमारे काम की चीज़ है क्या, हमारे पास रचना क्या है। तो इसको एक बार फिर से करते हैं। क्या बोला मैंने कि निराला जी की तीन बेटियाँ थी, अनामिका, आराधना तथा सरोज। तो अनामिका से क्या याद रखना है हमें, अनामिका से याद रखना है कि एक कविता का नाम इनकी है अनामिका, ठीक है, एक कविता हो जाएगी अनामिका, दूसरी हो जाएगी आराधना, और तीसरे सरोज से हम याद रखेंगे सरोज स्मृति। ये तो आगे भी है खैर, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रश्न आएगा कि अनामिका किसकी कविता है, तो अनामिका कविता हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और उसी प्रकार से आराधना भी सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता है और सरोज स्मृति भी सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता है। तो फिर लिखा हुआ कि जो सरोज थी वो कानी थी। तो जो ये कानी है, कानी से हमें क्या याद रखना है दोस्तों, कानी से हमें याद रखना है, ठीक है, क्या, रानी और, रानी और कानी, ठीक है। तो इससे हमें याद रखना है रानी और कानी, आप कहीं पे नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें अलग से मेंशन नहीं कर रखा है। तो कानी से हमें याद रखना है रानी और कानी। फिर क्या बोला कि मैंने कि जो सरोज थी उसकी बचपन में मृत्यु हो जाती है और उसकी याद में निराला जी क्या करते हैं, सरोज स्मृति नामक कविता लिखते हैं। तो एक रचना हो जाएगी सरोज स्मृति, तो ये भी क्या हो जाएगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई ये क्या है, एक कविता है। इसके बाद मैंने बोला था कि अनामिका को निराला जी प्यार से क्या बुलाते थे, वो उसे अणिमा कह के बुलाते थे। तो प्रश्न आएगा कि अणिमा किसकी रचना है, तो अणिमा हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, और ये किस प्रकार की रचना है, ये क्या है, ये भी एक कविता है। एक्चुअली मैं जो ये पूरी स्टोरी है इसमें सारी की सारी जितनी भी रचनाएं मैं आपको अभी बताऊंगा वो सारी की सारी काव्य संग्रह या फिर कविताएं हैं। तो आपको ये कंफ्यूज होना ही नहीं है कि भाई कि ये रचनाएं हैं क्या। कई बार क्या करते हैं कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, ट्रिक्स तो बना लेते हैं, स्टोरी तो बना लेते हैं, लेकिन मिक्स कर देते हैं, उपन्यास, कहानी, कविता संस्मरण सब घिचपिच हो जाती है वहीं। तो हमें ये याद तो हो जाता है कि ये किसकी रचना है, लेकिन किस प्रकार की रचना है वो याद नहीं होता है, उसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन मैंने आपको इस तरीके से बताने की कोशिश की है कि कविताएं अलग, उपन्यास अलग, बाकी चीज़ अगर है तो वो अलग, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फिर मैंने उसके बाद बोला कि जो अनामिका थी ये क्या करती थी, ज़ोर ज़ोर से गीत गाती थी। क्या करती थी ये ज़ोर ज़ोर से क्या करती थी, गीत गाती थी। इसमें जो गीत है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो गीत से हमारी दो रचनाएँ हमें याद रखनी है गीत से, ठीक है, गीत से हमें दो रचनाएँ याद रखनी है। एक रचना हो जाएगी क्या, गीतिका, यहाँ पे लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा देखते हैं, चलो लिखा जा रहा है थोड़ा बहुत, एक रचना हो गई गीतिका, ठीक है, और दूसरी रचना क्या हो गई, दूसरी रचना हो जाएगी क्या, गीत कुंज। तो ठीक है, दो रचनाएं ध्यान रखना है गीत से, एक हो जाएगी गीतिका और एक हो जाएगी गीत कुंज। तो आप इसको ना नोट कर दो कहीं पे कि गीत से क्या है, गीतिका और गीत कुंज है। फिर मैंने जब ये बोला था कि वो अनामिका जब गीत गाती थी जोर जोर से, तो जिसकी ध्वनि से, उसकी गीत की ध्वनि से क्या हो जाता था, निराला जी परेशान हो जाते थे। तो ध्वनि से क्या याद रखना है हमें, ध्वनि से याद रखना है हमें कि ध्वनि जो रचना है या ध्वनि जो कविता है ये किसकी है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है कि ध्वनि किसकी रचना है या ध्वनि जो कविता है वो किस लेखक की है, या ऐसे भी आ सकता है कि निराला जी द्वारा लिखित ध्वनि जो रचना है वो किस विधा की रचना है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है, संस्मरण है, किस प्रकार की है। तो ध्यान रखना कि ध्वनि क्या है, ये एक कविता या फिर काव्य संग्रह है। फिर जब निराला जी उससे परेशान हो जाते थे, तो अब परेशान होंगे तो वो उसको ना गाने नहीं देते थे, तब अनामिका उनसे बोलती थी, किससे, निराला जी से, कि पापा गीत गाने दो मुझे। क्या बोलती थी, पापा गीत गाने दो मुझे। तो प्रश्न आएगा कि गीत गाने दो मुझे किसकी रचना है, तो गीत गाने दो मुझे किसकी रचना हो जाएगी, निराला जी की। क्योंकि जो हमने निराला जी की स्टोरी बताई है ना, उनकी स्टोरी में आ रही है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए जो भी रचनाएं होंगी वो उनकी हो जाएंगी। तो गीत गाने दो मुझे रचना हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की, और ये क्या है, ये एक कविता है।
तो जब वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से बोलती है कि पापा गीत गाने दो मुझे, तब निराला बोलते हैं कि ठीक है मगर बादल राग में गाना। तो प्रश्न आ जाएगा कि बादल राग किसकी रचना है, तो बादल राग रचना हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और ये क्या है, ये भी एक कविता है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक दिन अनामिका आंगन में तुलसी की पूजा कर रही होती है, ठीक है, तुलसी की पूजा कर रही होती है। तो तुलसी से हमें क्या याद रखना है, देखो तुलसी से हमें याद रखना है तुलसीदास, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो तुलसीदास रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, कई बार कुछ लोग तुलसीदास को क्या कर देते हैं, तुलसीदास की रचना ही मार देते हैं। भाई तुलसीदास, तुलसीदास ने नहीं लिखी, ये लिखी हुई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो जब अनामिका आंगन में तुलसी की पूजा कर रही होती है तभी वहाँ एक भिक्षुक आ जाता है। तो भिक्षुक से क्या याद रखेंगे हम कि भिक्षुक किसकी रचना है, ये भी हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, और ये भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, काव्य संग्रह है। फिर जब वहाँ पे वो भिक्षुक आया था, तो अब जब भिक्षुक आया तो भिक्षा मांगने आया, तो जनरली आपने देखा होगा कि हम भिक्षा में क्या देते हैं, अब तो खैर पैसे मांग रहे हैं, अब तो दाल आटा चावल वगैरह कोई नहीं मांगता है, हर किसी को पैसे ही चाहिए होते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले ये अन्न मांगते थे, कभी दाल मांग लेंगे, चावल मांग लेंगे। तो अनामिका क्या करती है भिक्षा में, उस भिक्षु को क्या करती है, महंगे परमल के चावल देते हैं। तो जब वो भिक्षुक आया तो अनामिका क्या करती है कि उस भिक्षु को भिक्षा में महंगे परमल के चावल देती है। क्या देती है उसको, महंगे परमल के चावल। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि महंगे अलग है और परिमल अलग है। तो महंगे से क्या याद रखना है हमें, महंगे से कौन सी याद रचना याद रखनी है, तो महंगे से हम याद रखेंगे महंगू महंगा हुआ, ठीक है। क्या याद रखना है, महंगू महंगा रहा, महंगू महंगा रहा याद करो, या महंगू महंगा हुआ, ये याद रखो, बात एक ही है, ठीक है। तो महंगा से याद कर लेना कि कोई मिलती जुलती रचना थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो प्रश्न आएगा कि महंगू महंगा रहा ये किसकी रचना है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना हो जाएगी, और ये क्या है, एक काव्य संग्रह है। क्योंकि सारे के सारे जो ये हैं वो काव्य संग्रह है, मैं बार बार काव्य संग्रह नहीं बोलूँगा आप, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे काव्य संग्रह है इस स्टोरी में। फिर दूसरा क्या है, परिमल। तो परिमल जो रचना है वो किसकी हो जाएगी, वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हो जाएगी। अब अनामिका से रिलेटेड जो भी स्टोरी थी वो मतलब उसका एंड हो गया। तो अब हम छोटी बहन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम एक एक करके ना सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले हमने सरोज को एक्सप्लेन किया, तो मैंने बताया कि वो कहानी थी और उसकी बचपन में मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद हमने अनामिका को एक्सप्लेन किया था, अनामिका को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अणिमा कह के बुलाते थे, और अनामिका एक दिन वो गाना गीत गाती थी, वो सब हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आराधना के पास। तो अनामिका की बहन जो आराधना थी, इसने क्या किया, इसने कुछ समय पहले इसने क्या किया था, अपनी दोस्त के घर से ये जूही की कली को लेके आई थी। किसको लेके आई थी, जूही की कली, पौधे का नाम है ये जूही की कली। तो प्रश्न आएगा कि जूही की कली किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो जब ये जूही की कली लेके आई थी आराधना, तो इसने उसको अपने गमले में लगाया, जिस पर क्या हो गया था, अब मतलब कुछ टाइम पहले लेके आई थी ना, तो अब काफ़ी कुछ टाइम हो गया था, तो जिस पर अब क्या हो गया था, नई बेल आ गई थी तथा कुछ नए पत्ते आ गए थे। तो यहाँ पे बेल से हमें क्या याद रखना है, बेल से हमें याद रखना है क्या, बेला। तो बेल से याद रखेंगे हम बेला। तो प्रश्न आएगा कि बेला किसकी रचना है, तो बेला हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है नए पत्ते भी आ गए थे ना, तो बेल से हो जाएगा बेला। तो बेला रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और नए पत्ते जो रचना है ना, नए पत्ते रचना, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और ये जो नए पत्ते जो रचना है, ये कनिष्ठाया का एक पेपर हुआ था 2019 में हुआ था शायद से, जो कोर्ट का क्लर्क वाला पेपर था, जो हाई कोर्ट में हुआ था या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में जो भी हुआ था, तो उसमें ये पूछा था कि नए पत्ते रचना किसकी है। अच्छा, तो जब नए पत्ते वगैरह आ गए थे, लेकिन मैंने क्या कहा था कि गमले में कुछ ना कुकुरमुत्ता भी उगाए थे, क्या उगाए थे, कुछ कुकुरमुत्ता नीचे से, बरसात में होता ना छोटे छोटे कुकुरमुत्ता उगाते हैं। तो प्रश्न आएगा कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, तो कुकुरमुत्ता भाई किसकी स्टोरी में आ रही थी, कुकुरमुत्ता की बातें ये थी निराला जी की स्टोरी में, तो कुकुरमुत्ता हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। तो जब इनकी बेटी आराधना ने देखा यार कि कुछ कुकुरमुत्ता भी उगाए हैं, तो वो क्या करने गई, वो अपने पिताजी के पास, निराला जी के पास जाती है उन्हें बताने के लिए। लेकिन निराला जी क्या थे, वो राम की पूजा अर्चना कर रहे थे। क्या कर रहे थे, राम की पूजा तथा अर्चना कर रहे थे। तो राम की पूजा से हमें कौन सी रचना याद रखनी है, राम की पूजा से हम याद करेंगे राम की शक्ति पूजा, ठीक है। रचना का नाम जो है वो है राम की शक्ति पूजा। देखो अगर आप राम की शक्ति पूजा ना भी याद करो ना, राम की पूजा भी आपको याद है ना, तो जब आप निराला जी
मतलब जब आप देखोगे ना कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, अगर ऐसा आ गया तो अगर ऑप्शन में निराला होगा ना तो अपने आप निराला ना टिक मार दोगे, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास चार ऑप्शन ऑलरेडी दे रखे हैं, हम कोई मेंस का पेपर तो दे नहीं रहे हैं कि जो हमें एग्जैक्टली वही लिखना पड़ेगा जो हमने याद कर रखा है। तो ऑप्शन वाले पेपर में एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि अगर हमको थोड़ा बहुत भी हिंट मिल जाता है ना तो हम वो आंसर सही कर सकते हैं। तो राम की शक्ति पूजा किससे याद रखेंगे? राम की पूजा से। तो निराला जी राम की पूजा कर रहे थे तथा राम की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो अर्चना से ध्यान रखना कि अर्चना किसकी रचना है, तो अर्चना भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हो जाएगी। तो जब आराधना देखती है यार कि पिताजी राम की पूजा तथा अर्चना कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती है और वापस आ जाती है। तो दोस्तों ये निराला जी की रचनाएँ थी, ठीक है, एक बार फिर से इसको आप खुद से देख लेना, और मैं मतलब यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप इसको दो बार पढ़ लोगे ढंग से उसके बाद आपको ये याद हो जाएगी, बस बकायदे आपको पेपर से पहले इसको एक दो बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो चलो कविताओं के बाद या काव्य संग्रह के बाद अब आते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास के ऊपर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो भी उपन्यास लिखे हैं वो सारे के सारे उपन्यास मैंने इस एक पेज की एक स्टोरी में आपको बताने की कोशिश की है, और आपको ये ईजिली याद हो जाएंगे, बस आप स्टोरी सुनो आराम से। देखो तो क्या होता है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, इनके घर में अप्सरा के समान सुंदर दिखने वाली प्रभावती नाम की एक चतुरी चमार काम करती थी। क्या बोला मैंने कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के घर में अप्सरा के समान सुंदर दिखने वाली प्रभावती नाम की एक चतुरी चमार काम करती थी। उसके पास, किसके पास? उस प्रभावती के पास एक बिल्लेसुर बकरा था। तो एक दिन क्या होता है, गुस्से में निराला अपनी चोटी को पकड़ते हुए प्रभावती से बोलते हैं। देखो निराला जी की एक चोटी थी और इनको जब गुस्सा आता था तो ये जनरली अपनी चोटी को पकड़ते थे, ठीक है। तो एक दिन निराला जी गुस्से में अपनी चोटी को पकड़ते हुए प्रभावती से बोलते हैं कि कल से काम पर मत आना, क्योंकि तुम्हारे काले कारनामे मुझे पता चल चुके हैं। भाई कुछ काले कारनामे रहे होंगे, उसके कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जो निराला को पसंद नहीं आती होगी, तो वो चीज़ें निराला को पता चल चुकी थी। तो छोटी सी स्टोरी है, क्या है स्टोरी, कि निराला के घर में अप्सरा के समान सुंदर दिखने वाली प्रभावती नाम की एक चतुरी चमार काम करती थी। उसके पास बिल्लेसुर नाम का एक बकरा था, या उसके पास एक बिल्लेसुर बकरा था। एक दिन गुस्से में निराला अपनी चोटी को पकड़ते हुए प्रभावती से बोलते हैं कि कल से काम पर मत आना, क्योंकि तुम्हारे काले कारनामे मुझे पता चल चुके हैं। तो अब हमें देखना है कि इसमें रचनाएं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहली जो रचना हो जाएगी वो हो जाएगी अप्सरा, ठीक है। तो अप्सरा जो था वो निराला जी का प्रथम उपन्यास था। जिस प्रकार से निराला जी की जो प्रथम कविता थी ना वो क्या थी वो मैं बताना भूल गया। तो निराला जी की पहली कविता थी अनामिका, मैंने कहा था ना तीन बेटियां हैं, अनामिका, आराधना और सरोज। तो अनामिका उनकी पहली कविता थी और अप्सरा उनका पहला उपन्यास था निराला जी का। तो निराला के घर में अप्सरा के समान सुंदर दिखने वाली प्रभावती नाम की, तो प्रश्न आ जाएगा कि अप्सरा किसकी रचना है, तो ये रचना हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अच्छा ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे रचनाएं है ना ये सारे के सारे उपन्यास है। तो अप्सरा किस प्रकार की रचना है, तो अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक उपन्यास हो जाएगा। फिर अप्सरा के समान सुंदर दिखने वाली प्रभावती नाम की, तो प्रभावती किसकी रचना हो जाएगी, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी, और ये भी क्या है एक उपन्यास है। प्रभावती नाम की एक चतुरी चमार काम करती थी। अच्छा यहाँ पे जो हल्का सा ट्विस्ट है वो ये है कि जो ये चतुरी चमार नाम से इन्होंने जो रचना लिखी हुई वो एक्चुअली में कहानी है। इस रचना में सारे उपन्यास है, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना कि जो चतुरी चमार है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई क्या है वो कहानी है, और ये कहानी एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ। तो क्या बोला मैंने कि निराला के घर में अप्सरा के समान सुंदर दिखने वाली प्रभावती नाम की एक चतुरी चमार काम करती थी। उसके पास एक बिल्लेसुर बकरा था। क्या था उसके पास? एक बिल्लेसुर बकरा। तो प्रश्न आ जाएगा कि बिल्लेसुर बकरा, देखो अगर आप इसको बिल्लेसुर बकरा बोलो चाहे इसको बिल्लेसुर बकरा बोलो बात एक ही है। तो प्रश्न आएगा कि बिल्लेसुर बकरा किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, और ये किस प्रकार की रचना है ये क्या है ये उपन्यास हो जाएगा। एक दिन क्या होता है, गुस्से में निराला जी अपनी चोटी को पकड़ते हुए प्रभावती से बोलते हैं। किसको पकड़ते हैं? अपनी चोटी को पकड़ते हुए गुस्से में। तो चोटी को पकड़ते हुए से हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि चोटी की पकड़, आप उसको कहीं पे ना नोट कर लो, ठीक है। चोटी को पकड़ते हुए से क्या याद रखना है कि चोटी की पकड़। तो प्रश्न आएगा कि चोटी की पकड़ किसकी रचना है, तो एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि यार कौन चोटी को पकड़ता था अपनी, गुस्से में किसने पकड़ा था, निराला जी ने पकड़ा था। तो चोटी की पकड़ जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना हो जाएगी, और ये भी क्या है एक उपन्यास है।
तो जब निराला जी को गुस्सा आता है और वो चूटी को पकड़ते हुए प्रभावती से बोलते हैं कि कल से काम पर मत आना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे काले कारनामे मुझे पता चल चुके हैं। क्या पता चल चुके हैं? काले कारनामे। तो प्रश्न आएगा कि काले कारनामे किसकी रचना है, ये भी हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। और ये भी क्या है, ये भी एक उपन्यास है। तो दोस्तों, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो भी रचनाएँ थी, चाहे वो कविताएं हैं चाहे वो उपन्यास है, वो मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट हमारे लिए इतना ही है, आप देखना कि अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसे कोई कविता कोई उपन्यास वगैरह आता है ना, तो वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और यकीन मानो, अभी तक जो 5-6 पेपर हुए ना, जो अलग अलग शिफ्ट में 5-6 पेपर हुए, उनमें वही रचनाएँ पूछी गई है जो सिर्फ एनसीईआरटी में है। हाँ, हो सकता है कि आज से 4-5 साल पहले की जो पेपर होंगे उसमें आप इन रचनाओं के अलावा भी कुछ बाकी रचनाएं देख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उस टाइम पे सिलेबस अलग था और 2019 के बाद सिलेबस अलग हुआ, तो हमें ना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अच्छा, एक बात और मुझे ये पूछनी है आपसे कि अगर आप इसके अलावा किसी और टॉपिक पे, जो टॉपिक याद नहीं होते हैं या बहुत मुश्किल होता है याद करना, कोई टॉपिक ऐसे हैं आप उन पे चाहते हो कि वीडियोज़ बनाऊं और इसी तरीके से स्टोरी या ट्रिक के माध्यम से वो जो डाटा है या वो जो टॉपिक्स हैं उनको याद करवाऊं, तो आप कमेंट में वो टॉपिक मेंशन कर दिया करो कौन सा टॉपिक है। अगर मेरे को लगेगा कि वो टॉपिक्स ऐसा है कि उस पे ट्रिक या फिर स्टोरी के माध्यम से वीडियो बन सकती है, आपको समझाया जा सकता है, तो मैं उसको डेफिनेटली लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।